यू कैन एबल टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स। तो मेरे को पता है बहुत सारे लोग यार इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, 60 आउट ऑफ 80 हम यार बहुत कम करके पकड़ रहे हैं, बहुत ही। आकाश टॉक्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स इन सेक्शन ए इन आवर आईएससी मैथमेटिक्स, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑन दिस वीडियो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर आईएससी स्टूडेंट्स। जितना भी यार चीज बोलूंगा, अगर तुम ऑर्डिनरी या फिर एवरेज या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब क्या, अगर तुम उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिल रहा था या फिर नहीं मिलता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये वीडियो बहुत इंप्लीमेंटेबल है फॉर यू, ठीक है। जितना सा चीज बोलने वाला हो इन योर सेक्शन ए, हाउ यू कैन एबल टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स, तो वीडियो को यार पूरा एंड तक देखना। अगर स्किप करके देखोगे तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो, ठीक है। मैं पूरा एकदम सब कुछ बोलूंगा, कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा क्वेश्चंस इजी होते हैं फॉर दैट स्टूडेंट हु इज नॉट दैट मच गुड इन आईएससी मैथमेटिक्स। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी यार आईएससी मैथमेटिक्स के लास्ट मिनट सजेशन दे दिया था, जो यार तुम्हारे शायंत भैया ने किया था, हु हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन आईएससी मैथमेटिक्स। तो भैया का अभी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट मेकिंग दिस वीडियो, आई हैव टू मेक दिस वन, ठीक है। तो मैं सबको यार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना भी यार आईएससी 2020 के स्टूडेंट हो यार, वो वीडियो जरूर देखना। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा, जाकर चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर इम्प्लीमेंटेबल चीज भैया उस वीडियो के अंदर बोले। सो फर्स्ट, चाहे तुम सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी करोगे, बट तुमको यार सेक्शन ए तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी पोर्शन, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर हाउ यू कैन एबल टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स इन दिस, कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आता है, एंड इस बार कौन सा आने का चांस है, रोल्स थ्योरम या फिर लैग्रेंज थ्योरम, लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ थिंग हम सारे कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, देखो ऑर्डिनरी स्पीकिंग यार मैं भी उतना अच्छा नहीं हूँ मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। जो तुम्हारा शायंत भैया है वो 100 आउट ऑफ 100 मिला था उसको, तो यार बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो, बट मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। मेरे को फिजिक्स में अच्छा आया था या फिर कंप्यूटर में यार अच्छा था, बट इन मैथमेटिक्स आई एम नॉट दैट मच गुड, लिटरली आई एम स्पीकिंग। बट मैं भी यार क्या किया था ऑन दैट टाइम था कि यार मैं जिस लेवल का स्टूडेंट हूँ उस लेवल से थोड़ा हायर लेवल बनूं, इसके लिए क्या चीज किया था वो भी तुमको यार फॉलो करना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यार क्वेश्चन वन के अंदर, यार 10 क्वेश्चन रहेगा व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स ईच। भैया ये तुमको पता है, ऑब्वियसली तुमको पता है, बट इसके अंदर तुम कैसे, हाउ यू कैन एबल टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स। जनरली यार देखो ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस इजी आते हैं, ठीक है। इजी मतलब कि अगर डिफरेंशिएशन आएगा वो भी इजी आएगा, अगर इंटीग्रेशन आएगा वो भी यार इजी आएगा, ठीक है। सो हम तुमको पूरे स्ट्रेटजी देंगे कि आउट ऑफ 80 हाउ मच यू कैन लिफ्ट, हाउ मच मार्क्स यू कैन एबल टू गेट या फिर सिक्योर्ड, ठीक है। तो सुनो यार, इधर पहले हमको आता है यार मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या आएगा, 2x2 मैट्रिक्स, जो कि यार बहुत इजी है, तुम क्लास 10 में भी किए चुके हो, तो यार ये मैट्रिक्स का सम तुम इजीली बना पाओगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तुमको कोई भी यार एक फॉर्मूला बेस्ड सम दे देगा जो काफी इजी होता है, लिटरली यार 10 inverse A + 10 inverse B, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे को बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। So that's why the best thing is that remember all the formula in inverse trigonometric function so that you can easily make out this sum. ठीक है, ये हो गया। Number 3 क्या आता है? Number 3 आता है या फिर number 3 question जो आता है या determinant, ठीक है, determinant। और ये वाला determinant काफी आसान होता है क्योंकि इधर सिर्फ तुमको row measure या फिर column measure करना पड़ेगा, इधर उतना ज़्यादा कोई hard proofing नहीं आता। अगर proofing भी आता है वो भी बहुत simple आता है, ठीक है, literally यार simple आता है, ठीक है। So और एक बात है, तुम लोग सोच रहे हो कि भैया 1 2 ऐसे कर करके आएगा, तो फिर ऐसे करके नहीं आएगा, मैं सिर्फ ऐसे करके लिखा हूं ताकि तुमको समझने में इजी हो कि कौन सा कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर क्या क्या बेस्ड चीज तुम कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन, एक सिंपल, एक बहुत ही यार बच्चा आके जैसा इंटीग्रेशन आएगा, ऊपर से कैलकुलस पोर्शन से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कैलकुलस, चाहे तुम वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, अगर तुम वीक हो तो तब क्या करोगे, तो इधर वाला जो कैलकुलस है ना, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली बना पाओगे, और ये काफी आसान है, लिटरली इट्स इजी। देन यू आर कमिंग टू दिस नंबर 5, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्वेश्चन के अंदर आ गया, सो फॉर दैट रीजन आई एम रिकमेंडिंग टू ईच आईएससी स्टूडेंट्स टू गो टू दिस सम, मतलब कि आईएससी 2018 के अंदर एक सम आया था जो कि 1 का 7 नंबर क्वेश्चन है, वो वाला सम को मैं रेफरेंस किया हूं यार, उस टाइप का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर आने का चांसेस है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है इन दिस 20 मार्क्स के अंदर, ठीक है।
साढ़े यार इजी है, ठीक है, साढ़े यार इजी है, तुम इजीली यार 16 to 18 अगर चाहे तुम बहुत खराब स्टूडेंट, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है, चाहे तुमको सुनने में खराब लग रहा है, मैं भी उतना अच्छा नहीं था, बट देखो 20 out of 20 सब लोग ग्रैब नहीं कर पाएगा, या फिर जितना समय स्ट्रेटेजी दे रहा है उसके बेसिस तुम 16 के ऊपर या फिर 18 के ऊपर तुम इजीली ग्रैब कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जस्ट फॉलो दिस थिंग, ठीक है। नंबर 6 जो कि आता है प्रोबेबिलिटी, ये वाला यार एकदम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, दैट इज ऑल्सो इजी टॉपिक फ्रॉम वेयर वी कैन एबल टू स्कोर इजिली, ठीक है, चाहे तुम कॉमर्स की बच्चे हो, चाहे तुम साइंस की बच्चे हो, या फिर तुम आर्ट्स की बच्चे हो, अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स रहता है यार, जितना सा चीज बोल रहा हूँ तुम इजिली यार मार्क्स उठा पाओगे दिस 20 मार्क्स के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद यार डिफरेंशिएशन एक इजी वाला, तो यार हम इधर आठ टॉपिक, जो आठ टॉपिक व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ इजी टॉपिक्स एंड ईच टॉपिक इज कंसिस्ट ऑफ 2 marks ईच, ठीक है, मतलब ईच क्वेश्चन इज कंसिस्ट ऑफ 2 marks ईच, 2 marks ईच, मतलब 8 into 2 = 16 marks तुम इजिली ग्रैप कर ले, ठीक है। अभी बात आता है भैया क्या एकदम कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो यार अगर स्टैंडर्ड पेपर होगा तो क्वेश्चन कठिन तो हल्का सा क्वेश्चन आएगा ही, बट एक या फिर 2 questions हल्का सा कठिन हो सकता है, हम उसके अंदर पकड़ रहे हैं कि एक रिलेशन का फंक्शन का क्वेश्चन आएगा जो कि काफी इजी है तुम बना पाओगे, और एक क्वेश्चन आएगा चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे वो लिटिल कॉम्प्लेक्स हो, बट अगर तुम अटेम्प्ट करते हो, देखो यार तुम्हारा कंपलसरी पोर्शन तुमको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, तुम छोड़ नहीं पाओगे, अगर तुम अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए तुमको स्टेप मार्किंग मिलेगा, उसके लिए तुमको स्टेप मार्किंग मिलेगा, तो सब मिला के हम कम पकड़ रहे हैं, यू कैन एबल टू गेट 18 फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 1, 18 तुम सब लोग ग्रैप कर पाएगा अगर तुम सही से फॉर्मूला रिमेंबर करके ये सब इजी इजी समय अगर करके आ पाते हो तो, ठीक है। मैं ऑलरेडी लास्ट 2 months का स्ट्रेटजी दिया था रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, या फिर लास्ट 3 months का दिया था, अगर वो सारे लोग तुम फॉलो किए हो तो आई कैन गारंटी यू कैन एबल टू स्कोर 18 out of 18, मतलब मिनिमम 18 यू कैन स्कोर इन दिस क्वेश्चन नंबर 1। So, अभी आते हैं मैं नंबर 2 के पार्ट, मतलब क्या क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, तो यार क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक वी कैन एक्सपेक्ट 4 marks के क्वेश्चंस एंड वी कैन एक्सपेक्ट 6 marks के क्वेश्चन। जनरली यार 4 marks के क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं या फिर आसान होते हैं, ठीक है, बट जो 6 marks के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी 6 marks के है, सो थोड़ा हार्ड होने का चांसेस है या फिर होता है जनरली, फ्रेंकली स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो हार्ड होते हैं उसको हम हार्ड ही बोलेंगे, जो इजी होते हैं उसको हम इजी ही बोलेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि यार 4 marks की, मतलब क्या फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मच मार्क्स वी कैन ग्रैब इजीली, नॉट मतलब इजी टू मॉडरेटली, ठीक है। फर्स्ट हम आते हैं यार ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के अंदर, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर इधर भी यार एक तुमको यार सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, जो फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए तुमको ये ट्रिगोनोमेट्रिक चीज सॉल्व करना है, एंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ 4 marks, ठीक है, 4 marks। मैं बोलूंगा अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन अच्छा है, मतलब अच्छे से सही से करके प्रैक्टिस करके आए हो तो तुम इजिली ये वाला बना पाओगे, अगर नहीं क्यों अभी तक टाइम है, फॉर्मूला देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ ऐसा हार्ड नहीं, इट इज नॉट लाइक योर इंटीग्रेशन, ठीक है, या फिर कैलकुलस पोर्शन इजी है, लिटरली मैं बोलूंगा इजी है, तभी इजी होगा अगर तुम्हारे अंदर ये सारे फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग के अंदर रहते हैं, तभी बहुत इजी होगा, ठीक है। नाउ यार कमिंग टू नंबर टू पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ डिटरमिनेंट, तो यार इधर डिटरमिनेंट का प्रूफिंग वाला डिटरमिनेंट है जो कि काफी बड़ा है, तो ये डिटरमिनेंट भी 4 marks का है, बट इधर डिटरमिनेंट में एक ही दिक्कत है कि इधर तुमको प्रूफ करना पड़ेगा वो वैल्यू को, ठीक है, चाहे तुम रो वाइज कर रहे हो चाहे तुम कॉलम मेजर कर रहे हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी कर रहे हो तुमको करने के बाद ये चीज प्रूफिंग करना पड़ेगा, जो डिटरमिनेंट था हम लोगों का क्वेश्चन 1 के अंदर उधर कोई प्रूफिंग नहीं था, ठीक है, उधर कोई प्रूफिंग नहीं था, बट अभी जो डिटरमिनेंट है इधर बहुत बड़ा, मतलब क्या थोड़ा डिफिकल्ट प्रूफिंग है, एंड ये डिफिकल्ट प्रूफिंग तुमको यार करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तुम यार थोड़ा देख लो कौन सी में क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये तो मैं ऐसे खड़ा होकर यार नहीं बोल पाऊंगा कि यार ये इसके अंदर ये करोगे इसके अंदर वो करोगे, बट रो मेजर वाइज कॉलम मेजर इसको थोड़ा यार अपना दिमाग लगाओ तुम ये वाला समवेयर कर पाओगे, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, चाहे तुम कितना भी खराब मैथ्स के अंदर तुम कर पाओगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओ तुम कर पाओगे, ठीक है, शांत रहो थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है। सो और एक बात यार वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो फॉर दैट रीजन यार पूरा वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है यार, बहुत ही कुछ, बहुत जो कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आईएससी मैथमेटिक्स। नाउ वी आर कमिंग टू नंबर 3, तो यार नंबर 3 में क्या होगा, नंबर 3 में यार रोल्स या फिर लैग्रेंज थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है भैया पता है इस साल कौन सा आने का चांसेस है, इस साल अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन रोल्स थ्योरम माइट बी द क्वेश्चन दैट माइट बी कमिंग, क्यों, क्योंकि 2019 के अंदर तुमको लैग्रेंज मिला था, एंड अगर तुम लास्ट 10 साल के आईएससी का क्वेश्चन देखोगे उधर तुमको देखने को मिलेगा कि हर साल आईएससी अल्टरनेटिव क्वेश्चन सेट करते हैं, एक बार लैग्रेंज एक बार रोल्स, एक बार लैग्रेंज एक बार रोल्स,
सो अकॉर्डिंग टू दिस आई एम टेलिंग रोल्स थ्योरम, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लैग्रेंज करके नहीं जाओगे, तुमका लैग्रेंज भी करके देख के जाना, क्योंकि बहुत ईजी है ये सब, ठीक है। तीन सब स्टेप है, तुमको वो करके चीज को दिखाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश भी तुम जानते हो फॉर्मूला क्या है। अच्छा, रोल्स थ्योरम का क्या फॉर्मूला है तुम मेरे को तो बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। सो ये हो गया, नाउ वी आर कमिंग टू नंबर फोर। नंबर फोर इज अ डबल डिफरेंशिएशन, डी टू एक्स बाई डी वाई जो भी होगा, ठीक है, डी टू एक्स डबल डिफरेंशिएशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन के अंदर जो मेन चीज है जो या तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, तुमको कोई प्रूफिंग देगा, ठीक है, या फिर तुमको ऐसा कुछ दे देगा डी टू एक्स बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, तुमको प्रूफ करके ये वाला चीज लाना है। तो उधर घबरा मत जाओ, पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया, करने के बाद ज्यादातर जो चीज होता है ना कि तुमको यार एक चीज को मतलब कि एक टर्म को इस लेफ्ट या फिर राइट के अंदर ले जाना पड़ता है, ठीक है, वो जगह थोड़ा देख के या फिर थोड़ा ध्यान से देख करना, एंड उसके बाद उस सेम चीज को और एक बार डिफरेंशिएट कर देना, बस दैट्स इट इन योर डबल डिफरेंशिएशन। ये वाला सम लिटरली यार इजी होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है, तुम इजीली यार चार आउट ऑफ चार ग्राफ कर पाओगे फ्रॉम दिस वन। नाउ वी आर कमिंग टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बाईपार्ट्स का इंटीग्रेशन आने का चांसेस है या फिर आता है रेदर। तो बाईपार्ट्स आई थिंक तुम सब लोग ने किए हो, ऑल्दो मेरे को पता है बहुत सारे लोग यार इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है। सो बाईपार्ट्स अगर सही से करते हो तो इधर भी तुम इजिली ग्रैप कर पाओगे। बहुत कठिन या फिर वो जो चार मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये मॉडरेट होता है, मैं बोल रहा ना भाई बहुत कठिन नहीं होता, बहुत कठिन सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बट चार मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता। तुमको थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड दिमाग लगा के फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए अगर तुम करके आ सकते हो, देन यू कैन इजिली ग्रैप फोर आउट ऑफ फोर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट वन, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, मेरे को खुद इतना अच्छा लगता है ना, अभी भी मैं करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इधर से हम बोल सकते हैं कि जितना सारा चार मार्क्स का क्वेश्चन है, आठ मतलब एट फोर मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो एट फोर मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर तुम इजिली एट कर पाओगे। मैं लिटरली बोल रहा हूँ इजिली यू कैन एबल टू डू एट मार्क्स। एक या फिर एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो सकता है चार मार्क्स के अंदर, बट तुम सिक्स टू सेवन मार्क्स इजिली मतलब सिक्स टू सेवन सम्स ऑफ योर फोर मार्क्स तुम इजिली बना पाओगे। Now we are coming to the main section, main concentrated portion that is called 6 marks. भैया 6 marks का question में बहुत ज़्यादा problem होता है हम लोगों को, ठीक। तो यार 6 marks के question मेरे को खुद को अभी भी थोड़ा problem होता है, but इसके अंदर जो जो चीज़ तुम easily 6 out of 6 grab कर पाओगे वो बोल रहा है, that is called your matrix. Matrix का एक inverse या फिर adjoining ADJ of A inverse या फिर adjoining S या फिर inverse एक आता है matrix के अंदर, उसका 6 मार्क्स का फॉर्मूला एक इतना बड़ा साम होता है जो एक या फिर दो पेज के अंदर होता है। तुमको यार ए को इन्वर्स करते हुए तुमको यार प्रूफ करना है, ए इन्वर्स एक्स इक्वल टू बी या फिर बी को इधर लाने के बाद जो भी सम्स है, जो भी सम्स है, अगर तुमको एक्स प्लस वाई ऐसे करके तीन अगर इक्वेशन दिया तो इक्वेशन के अंदर लाने के बाद तुमको यार उसको इन्वर्स करवाना है, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होता मैं वो सम करके दिखा देता, ठीक है, बट मेरे पास टाइम अभी नहीं है, तुम लोगों के पास टाइम नहीं है ना ही वो वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात है तुम इन्वर्स किए चुके हो, अगर नहीं किए चुके हो ये अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है ना, ये जो इन्वर्स वाला जिधर सब लोग मार्क्स उठा पाएगा इजीली, मैं बोल रहा हूँ यार अगर तुमको यार वो फॉर्मूला या फिर अगर तुमको वो करने का चीज अगर पता है तो कोई दिक्कत या फिर कोई हर्ड नहीं है। फॉर रेफरेंस 2018 या फिर आईएससी 2019 का सम्स देख के जाओ, जो कि यार इन्वर्स के ऊपर आया था, आई थिंक 2017 के अंदर भी एक इन्वर्स के ऊपर आया था 17 या फिर 16, तो वो सम्स थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए जाओ तुमको मिल जाएगा। प्लस और एक बात, मैं जो नोट्स है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सम्स मैं यार ट्राई करूंगा इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देना या फिर मैं इधर दे दूंगा, ठीक है, मतलब लिंक के अंदर दे दूंगा या फिर मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, तो फॉर दैट रीजन इंस्टा को और फॉलो कर लेना, तुमको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द मेन हार्डेस्ट पार्ट, लिटरली यू कैन कॉल दिस द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट। क्या क्या हार्डेस्ट पार्ट है? सबसे हार्डेस्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लिटरली यार प्रोबेबिलिटी। इधर से एक हार्ड प्रोबेबिलिटी आएगा, हार्ड मतलब क्या डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटी आएगा। अगर तुम बना सकते हो तो बहुत बढ़िया, अगर तुम नहीं बना सकते हो तो यार एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, तुमको ऑल दो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, तीन या फिर चार, व्हाट एवर माइट बी द स्टेप यू हैव डन अकॉर्डिंग टू दैट तुमको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। नाउ यार कमिंग टू इंटीग्रेशन, जिन लोगों का इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार, ये बाईपार्ट्स हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ये वाला इंटीग्रेशन बहुत कठिन आता है लिटरली, बट तुमको छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना। अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तब भी मार्क्स जाएगा, अगर अटेम्प्ट करके कुछ स्टेप तक करोगे, मैं तुमको डीमोटिवेट नहीं करूँगा, अगर हो सके तो पूरा करो, अगर नहीं कर पा रहे ऑन दैट टाइम कुछ स्टेप तक करो यार, स्टेप मार्किंग तुमको मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग नॉर्मली स्टेप मार्किंग कैन एबल टू ग्रैब फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ आई कम टू लास्ट, उधर से और एक प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस है या फिर
ऐसा ही कुछ रहता है हमेशा, या ठीक है डिपेंड करता है हर साल टू साल, बट यही तुम्हारे जो मेन चीज है यही है, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन वन के अंदर 18 मार्क्स उठा लिया 18.5 इजीली। देन वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 to 4। क्वेश्चन नंबर 2 to 4 के अंदर हमने यार 8 into 4 मतलब क्या 32 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना लिया, प्लस 6 मार्क्स का एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना लिया, प्लस 6 इंटू नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, 2 या फिर 3 जो तुम बना नहीं पाए, उसके अंदर जितना तुम स्टेप कर लिए उसके मुताबिक तुमको यार स्टेप मार्किंग मिलेगा, उसके मुताबिक तुमको यार क्या मिलेगा, स्टेप मार्किंग मिलेगा, ठीक है, सब मिलेगा। अगर तुम ये सारे चीज को यार प्लस करो 38 + 18 प्लस व्हाटएवर मार्क्स यू आर गेटिंग दैट इज कम टू 60, ठीक है, 60 out of 80। हम यार बहुत कम करके पकड़ रहे हैं, बहुत ही कम करके पकड़ रहे हैं। इसके साथ तुमको यार जो स्टेप मार्किंग है, स्टेप मार्किंग का मार्क्स भी यार मिलेगा, ठीक है, स्टेप मार्किंग का मार्क्स भी तुमको यार मिलेगा। सो लिटरली वी कैन से दैट वी कैन एबल टू स्कोर 80 में तुमको यार 60 and 65 ऐसा कुछ मार्क्स मिल जाएगा, प्लस 20 मार्क्स इज देयर इन योर सेक्शन सी, अगर तुम सेक्शन सी कर रहे हो तो, अदरवाइज सेक्शन बी कर रहे हो तो सेक्शन बी के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करता है। बट इसके लिए ऑलरेडी शायद तो भैया बोल दिया सेक्शन बी वो बहुत अच्छा है, बोल दिया, अगर हो सके मैं सेक्शन सी बोल दूंगा, मैं यार खुद सेक्शन सी के अंदर बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। एंड आई होप कि जितने कॉमर्स के बच्चे हो यार तुम सेक्शन सी के अंदर ऑब्वियसली अच्छे हो, साइंस के बच्चे भी यार है कोई बात नहीं इसके ऊपर, ठीक है। सो ये सारी चीज कर लो, सो वी एम जस्ट एक्सपेक्टिंग 80 to 85 इन योर आईएससी मैथमेटिक्स में, बहुत कम करके बोला फॉर देम, या फिर फॉर दो स्टूडेंट्स, those who literally they are not that much good in mathematics, for them I have done everything, and जो अच्छे वो तो 4K आओगे, but जो moderate student हो, जो average हो, for that reason ये चीज follow करना, तुम खुद यार 4K आ सकते हो, ठीक है। so तब तक के लिए चलते हैं, अपने अंदर confidence रखो, तुम खुद करके आओगे, इतना सा यार जोश रखो, चाहे paper hard हो या फिर standard हो, तुमको 4K आना ही है, ठीक है, जितना चीज बोल दिया यार ये ध्यान में रखो तुम कर पाओगे। तब तक के लिए चलते हैं, see ya, best of luck and wish you a very happy होली।